नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। बिहार इलेक्शंस, आई एम श्योर आप सब ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है बिहार के फ्यूचर को लेकर। तो चलिए, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तेजस्वी यादव की हॉरोस्कोप और नीतीश कुमार की हॉरोस्कोप। तेजस्वी यादव का जन्म जो है वो 9 नवंबर 1989 को पटना में हुआ है, तो इस हिसाब से इनकी जो है मकर लग्न की कुंडली बनती है। देखिए, कोई भी हॉरोस्कोप कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने पावरफुल रिजल्ट्स देगी, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस हॉरोस्कोप में केंद्र और त्रिकोण का कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। जितना ज्यादा केंद्र और त्रिकोण का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, उतनी ज्यादा एक हॉरोस्कोप जो है वो पावरफुल होगी और उतने ही अच्छे जो है वो रिजल्ट्स देगी। तो तेजस्वी यादव की, जैसे मैंने कहा, मकर लग्न की कुंडली है। लग्न का स्वामी शनि जो है वो वीनस शुक्र, जो कि दसवें घर के, दसवां घर जो है वो आपके प्रोफेशन का घर है, आपका कर्म भाव है। तो लग्न का स्वामी और दसवें घर का स्वामी शुक्र और शनि जो है वो एक दूसरे के साथ कंजंक्ट है, और ये कंजंक्शन जो है 12वें घर में हो रहा है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल राजयोग है। हालांकि ये जो कंजंक्शन है वो 12th हाउस में हो रहा है। इसके बाद आता है दूसरा केंद्र, वो जो है वो है चौथा घर। सो चौथे घर का स्वामी इनकी कुंडली में मंगल है। मंगल जो है वो दिग्बली होके 10वें घर में, कर्म के घर में बैठे हुए हैं। चौथा घर एक पॉलिटिशियन की कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि चौथा घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मासेस को, रिप्रेजेंट करता है जनता को। तो चौथे घर का स्वामी मंगल दिग्बली होके 10वें घर में बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य हालांकि इनकी कुंडली में नीच के हैं और 8वें घर के स्वामी हैं, तो ये थोड़ा सा सूर्य को कमजोर कर देता है। पर सूर्य 10वें घर में दिग्बली होते हैं, तो दिग्बली, सूर्य और मंगल 10वें घर में बैठे हैं, ये एक दूसरा पावरफुल राजयोग बनता है। और सूर्य जो है वो अथॉरिटी को, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद तीसरा केंद्र जो है वो है 7वां घर। 7th हाउस जो है वो पद प्राप्ति का घर है, और 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का घर है, अलायंसेस का घर है। तो 7वें घर का स्वामी चंद्रमा जो है वो दूसरे घर में बैठा है, और शनि जो कि लग्न के स्वामी है वो उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। और जुपिटर 6ठे घर से, 6ठा घर जो है वो कॉम्पिटिशन का घर है, तो 6ठे घर से जुपिटर भी जो है वो चंद्रमा को देख रहा है। इसके बाद 10वां घर आ जाता है। 10वां घर, जैसा मैंने बताया, वहां पे दिग्बली सूर्य, दिग्बली मंगल बुध के साथ बैठे हुए हैं, और 10वें घर का स्वामी शनि जो है वो जो है, सॉरी, 10वें घर का स्वामी शुक्र जो है वो शनि के साथ कंजंक्ट है। अब हम बात करते हैं त्रिकोण की। तो जो पहला त्रिकोण है वो है 5th हाउस, 5th हाउस। मकर लग्न के लिए जो है वो शुक्र जो है वो योग कारक होता है। इनकी कुंडली में शुक्र जो है, जो योग कारक शुक्र है, जो कि 5वें घर का स्वामी है और 10वें घर का स्वामी है, वो लग्न के स्वामी शनि के साथ कंजंक्ट है। जो दूसरा त्रिकोण है वो है 9th हाउस। 9th हाउस जो है वो भाग्य का घर है, लक का हाउस है। तो इनका जो भाग्येश है वो है बुध, वो 10वें घर में है, और बुध जो है अभी उसकी जो है दशा भी चल रही है। बुध की दशा इनकी 2015 से शुरू हो गई थी। बुध की दशा शुरू होते ही जो है ये उप मुख्यमंत्री भी बने थे, पर उसके बाद जो अंतर दशा आई वो इतनी फेवरेबल नहीं थी, जो कि 2017 में आई, जिसके कारण ये उप मुख्यमंत्री पद से इनको हटना पड़ा। अब हम बात करते हैं अभी की प्रेजेंट सिचुएशन की। देखिए, कोई भी चीज के बारे में, जो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में अगर हमें प्रिडिक्ट करना होता है, तो हम दो चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पहली चीज है दशा, कि उस समय जातक की, नेटिव की दशा क्या चल रही है, वो कितनी फेवरेबल है। दूसरी चीज जो है वो है ट्रांजिट, यानी कि गोचर, कि गोचर में जो, ट्रांजिट में जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो किस तरह की है। गोचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट इज कंसर्न्ड। तो तेजस्वी यादव की जो है अभी बुध की दशा चल रही है। इनकी ये दशा जो है 2015 से शुरू हो गई थी। बुध की दशा शुरू होते ही ये जो है बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे, पर 2017 में जो इनकी अंतर दशा आई थी वो इतनी फेवरेबल नहीं थी। इसी
कारण से इनको जो है चीफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप से हाथ धोना पड़ा। पर अभी की इनकी दशा क्या है और वो कितनी फेवरेबल है, तो देखिए जब इलेक्शन होंगे, जब इलेक्शन हो रहे हैं और जिसका रिजल्ट आएगा, इस टाइम पे जो इनकी दशा है वो बुध में मंगल शुक्र में राहु की है। सो बुध महादशानाथ है, शुक्र अंतरदशानाथ है और राहु जो है वो प्रत्यंतरदशानाथ है। अब हम गोचर पे आते हैं। गोचर में जो है शनि अभी इनके लग्न में गोचर कर रहे हैं, अपने ही घर के शनि हैं, स्वराशि शनि हैं। लग्न में गोचर करके शनि जो है सातवें घर को देख रहे हैं जो कि पद प्राप्ति और पार्टनरशिप का घर है, और दसवें घर को देख रहे हैं, दसवां घर जो है वो प्रोफेशन का, आपके कर्म, आपका कर्म स्थान है। तो ये जो गोचर है ये बड़ा फेवरेबल गोचर है। गुरु जुपिटर जो कि अपने ही घर में है पर वो जो है इनके बारहवें घर में गोचर कर रहे हैं, ट्वेल्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि इतनी फेवरेबल पोजिशन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु और केतु का जो है अभी ट्रांजिट, जो अभी राशि बदली है वो अभी हाल ही में सितंबर में ही बदली है, और राहु जो है इनका अभी प्रत्यंतर दशा नाथ है। राहु जो है इनके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। पॉलिटिशियंस के लिए फिफ्थ हाउस का राहु और टेंथ हाउस का राहु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और काफी हद तक फेवरेबल भी होता है। तो अगर हम इनका जो जैसा मैंने बोला गोचर और दशा का पूरा एनालिसिस करेंगे तो इनकी जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग बन रही है। कंक्लूजन जो है मैं आपको तभी दे पाऊंगी जब मैं नितीश जी की भी हॉरोस्कोप आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अगली हॉरोस्कोप जो है वो है नितीश कुमार जी की हॉरोस्कोप। नितीश जी का जो जन्म है वो 1 मार्च 1951 को बिहार में हुआ है। इनका जो है वो मिथुन लग्न है, जेमिनी राशि जो है वो लग्न में राइज कर रही है। मर्करी जो है इनका लग्न का भी स्वामी है और इनके फोर्थ हाउस का भी स्वामी है, और मर्करी जो है वो इनके नाइन्थ हाउस यानी कि भाग्य के घर में बैठा हुआ है। इनका जो फोर्थ हाउस है वहां पे शनि है। फोर्थ हाउस जैसा मैंने कहा कि वो जो है जनता का घर है, मासेस का घर है, और शनि जो है वो कारक भी है जनता के। तो फोर्थ हाउस में शनि का बैठना और वहां से दसवें घर को, प्रोफेशन के घर को देखना, इस बात को कंफर्म करता है कि ये जो है एक पॉलिटिशियन का चार्ट है। इसके अलावा सेवेंथ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड जो कि जुपिटर है वो भी जो है नाइन्थ हाउस में है। सो देखिए किस तरह से चारों केंद्रों के जो स्वामी जो कि जुपिटर है और बुध है, मरकरी है, वो दोनों जो है नाइन्थ हाउस में कंजंक्ट है। नाइन्थ हाउस में हालांकि जुपिटर और मरकरी के साथ साथ राहु और सूर्य भी है। अब हम बात करते हैं त्रिकोण की। तो जो पहला त्रिकोण है वो है फिफ्थ हाउस। तो जो फिफ्थ लॉर्ड है वो शुक्र है, वीनस है। शुक्र जो है इनके टेंथ हाउस में, दसवें घर में जाके एग्जॉल्ट हो रहे हैं। जो नाइन्थ हाउस है वो दूसरा त्रिकोण है। नाइन्थ लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। सैटर्न जो है इनके फोर्थ हाउस में यानी कि फिर से केंद्र में आके बैठ गए, और दोनों त्रिकोण के जो स्वामी है वो आपस में एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। और कहां बैठ के एस्पेक्ट कर रहे हैं? फोर्थ हाउस में और टेंथ हाउस में। फोर्थ हाउस जो कि जनता का घर है, टेंथ हाउस जो आपके प्रोफेशन का घर है। तो ये पूरी जो हॉरोस्कोप जो है इनकी काफी स्ट्रांग है। केंद्र त्रिकोण का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग बन रहा है और ये इनकी हॉरोस्कोप कंफर्म भी कर रही है कि ये एक पॉलिटिशियन की हॉरोस्कोप है। नितीश जी का जो पॉलिटिकल करियर है वो तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल करियर से काफी लंबा है। जो इनकी गृह स्थिति है, जो दशाएं हैं, वो भी इस बात को कंफर्म करती हैं। फिलहाल हम आते हैं अभी की जो स्थिति है, इस इलेक्शन के बाद नितीश जी का क्या फ्यूचर है। तो नितीश जी की जो दशा अभी चल रही है वो है राहु, महादशानाथ राहु है, अंतरदशानाथ बुध है, और प्रत्यंतर दशानाथ जो है वो है मंगल। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से इनकी दशा पैटर्न जो है वो इनका साथ दे रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, ट्रांजिट जो है वो कितना फेवरेबल या अनफेवरेबल इनके लिए है। ट्रांजिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ट्रांजिट देखेंगे सैटर्न का। देखिए शनि का जो गोचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में। किसी के भी जीवन में कोई भी रिजल्ट तब तक नहीं मिलता है जब तक शनि की कृपा जो है उस रिजल्ट से लिंक्ड नहीं होती।
जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ प्रोफेशनल चेंज आपकी अपनी लाइफ में चाहते हैं, जब तक सैटर्न का कनेक्शन आपके प्रोफेशन के घरों से नहीं बनेगा तब तक प्रोफेशनल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो शनि का गोचर, इसीलिए कोई भी इवेंट के लिए हम शनि का गोचर जो है बहुत ध्यान से देखते हैं। तो नितिश जी के केस में शनि जो है वो इनके आठवें घर में गोचर कर रहा है। आठवां घर जो है वो लॉस का घर है। हालांकि आठवें घर से शनि जो है दसवें घर को भी देख रहा है। जुपिटर जो है स्वराशि के हैं, अपनी ही राशि के हैं और इनके सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सेवेंथ हाउस जो है वो पार्टनरशिप का घर है, अलायंस का भी घर है, पद प्राप्ति का भी घर है। तो जुपिटर अपने ही घर में स्वराशि की होके सेवेंथ हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनके लिए थोड़ी सी फेवरेबल स्थिति बना रहा है। पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी हॉरोस्कोप में, जो कि दशा और गोचर दोनों इंडिकेट कर रहे हैं, वो है राहु की पोजिशनिंग। राहु इनका प्रत्यंतर दशानाथ भी है और गोचर में जो है राहु इनके बारहवें घर में गोचर कर रहा है। एक पॉलिटिशियन की कुंडली में जब भी बारहवां घर, जब भी ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट होता है, चाहे वो दशा से हो या वो गोचर से हो, तो जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन होती है उसमें चेंज आता है। देर इज अ शिफ्ट, देर इज अ चेंज। तो राहु जो है इनका दशानाथ प्रत्यंतर दशानाथ है और राहु जो है गोचर में इनके ट्वेल्थ हाउस में गोचर कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही नेगेटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा नितिश जी के लिए इस इलेक्शन में। तो अगर मैं इन दोनों की हॉरोस्कोप को समाप्त करके आपको कंक्लूजन बताऊं तो मैं ये कहूंगी कि तेजस्वी यादव की हॉरोस्कोप सर्टनली, अभी जो तेजस्वी यादव जी के जो दशा और ट्रांजिट जो चल रहा है वो सर्टनली नितिश जी से ज्यादा फेवरेबल है। पर ये कह देना कि 100% तेजस्वी यादव के स्टार्स उनको सपोर्ट करें कि उनकी पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी में आएगी, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऐसा बहुत हद तक संभव है कि कोई ना कोई अलायंस होगा, कोई ना कोई गठबंधन होगा और उसी से जो है कोई ना कोई मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा। पर नितिश जी के लिए जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस बिहार इलेक्शंस के बारे में। आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।